अस्सलामुअलैकुम। तो आज है क्या है, आज है ट्यूसडे और मौसम खूब मज़े का हो रहा है, फुल बारिश का मौसम है और हो सकती है बारिश हो जाए। तो बस अभी हम उठे हैं, अभी नाश्ता वाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। वैसे हमारा एक और प्लान बन रहा था लेकिन वो प्लान बन नहीं सका क्योंकि उसके लिए ड्राइव बहुत ज़्यादा लंबी थी। तो अब हम देखते हैं कि आज क्या करते हैं हम। फिलहाल तो अभी हम नाश्ता करेंगे और इतना मज़े का जो वेदर है वो एंजॉय करेंगे। मौसम हो रहा है बहुत ही जबरदस्त और बस अब हम निकले हैं और अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो हम आगे जाकर बताएंगे। अभी हम तैयार हो चुके हैं, चलते हैं। ये वेदर बहुत ही ऑसम है। आज है हमारा फिफ्थ डे, शायद फिफ्थ डे हमारा सिक्स डे। अच्छा, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं कहीं जाने के लिए। अब हम कहाँ जा रहे हैं वो आप आगे देखेंगे ब्लॉग में। और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, फुल टाइम बारिश हो रही है और इस्लामाबाद का ये वाला मौसम सबसे फिट होता है क्योंकि बारिश भी मिल रही है आपको और ठंड है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाली ठंड नहीं है लेकिन अच्छी ठंड है। तो बस अभी हम तैयार हो चुके हैं और अभी हम एक जगह जा रहे हैं, पिक करेंगे और फिर हम निकलेंगे आगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा और हम दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये इस टाइम देखें, फुल टाइम तेज़ बारिश हो रही है और इस्लामाबाद में ये अच्छा होता है कि यहाँ पानी नहीं जमा होता कराची की तरह। कराची में तो फौरन बस एक दो बूंद गिरी और पानी जमा, तो यहाँ ये वाला सीन थोड़ा नहीं। ओए होए होए नखरे दिखा रही है, क्या हुआ, क्या हो गया, क्या बोलती है, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, तो यहाँ बस हमें किसी को पिक करना था और फिर हम निकल गए। यहाँ का माल्टा इतना बड़ा है, ऑरेंज, और ये किसी फार्म हाउस का, और हमारी कराची में ये मुश्किल से मिल रहे हैं। मिलता है हमारी कराची में भी लेकिन मुझे मिलता है 400-300। अभी हम जा रहे हैं कहाँ ये हम आपको बताएंगे आगे चल के, जब तक हम खाते हैं ऑरेंजेस। और अभी हम घूम रहे हैं DHA में, हम कहाँ हैं हमें नहीं पता। और आज ही इमरान खान आए हैं इस्लामाबाद तो इसलिए और ज़्यादा ट्रैफिक थोड़ी सी बढ़ी हुई है। मेरे कर्ल्स बहुत अच्छे लगे, ये मैंने किए थे 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन के बाद अच्छे लगते हैं कर्ल्स ज़्यादा। तो ये है, पकौड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अल्लाह करे मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पकौड़े मिलते हैं कि 3 घंटे तक। तो बस अब हम निकले हैं, ट्रैफिक अब इस्लामाबाद में भी बड़ा इनका बैड सीन है, जैसे कराची में बहुत ज़्यादा होती है ना ट्रैफिक, वैसे ही अब इस्लामाबाद में भी मिल रही है। और हैवी वाली जो होती है ना, जो ट्रक ट्रॉल सब कुछ आ रहे होते हैं, तो वो वाला सीन है। हम निकल चुके हैं और आगे हम कहाँ कहाँ पहुँचेंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा, जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। इमरान खान के साथ बाहर जो है 300 की तादाद में काफी नाम बाहर जमा है और इमरान खान के
स्कूल के अंदर भी जाना है, तो कहां इमरान खान की गाड़ी। तो अभी हम जा रहे हैं मरी फर्स्ट स्टॉप, और ये बन रहा है सारा यहाँ पे, क्या बन रहा है ये, ओवरहेड बाईपास। ओवरहेड बाईपास जो बेसिकली बाराको को बाईपास कर जाएगा और डायरेक्टली मरी को लिंक करेगा, उसके बाद काफी इजी हो जाएगा। अभी तो ये जो रोड है काफी, और ये शहबाज शरीफ का प्रोजेक्ट है जो उनको मरी जाने में बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये उनके लिए बन रहा है। हाँ, क्योंकि उनको मरी जाने में बड़ा मसला होता है, प्रॉब्लम होती है। सो रोड काफी खराब है अभी, और उसकी वजह से हमें ज्यादा टाइम। सो यहाँ काफी अभी ट्रैफिक हो रहा है, जाने पे भी काफी है और वापसी आने पे भी काफी। सूरत ये मस्जिद बन रही है या क्या है, कैमरे में नहीं आ रही थी। तो अभी मरी जाने से पहले, तो अभी मरी जाने से पहले आया है फुलग्रां टोल प्लाजा, यहाँ पे हम टोल देंगे और फिर यहाँ से आगे जाएंगे। सो फाइनली अभी एक जगह पे हम उतरे हैं, और यहाँ पे गर्मियों में वाटरफॉल होता होगा गर्मियों में, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन क्या सीन है भाई, मिल भी रहा है या नहीं। तो अभी हम रुके एक जगह, वहाँ से हमें पकौड़े मिल गए हैं और फिलहाल लेने के लिए गए हैं। वो जैसे ही पकौड़े लाते हैं हम नोश फरमाते हैं, बल्कि टूटते हैं उन पे, क्योंकि पकौड़ों की फुल टाइम क्रेविंग हो रही थी इस मौसम में। तो वो जैसे ही आते हैं हम लेते हैं और फिर यहाँ से आगे जाते हैं। उधर जाओ, उधर जाओ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये पकौड़े हम ले चुके हैं गरम गरम, और ये है टूरिस्ट डेरा रेस्टोरेंट से, और इनके यमी पकौड़े हैं, और अब हम इनको खाते हैं फुल गर्मा गर्म यम। तो हमारे गर्मा गर्म पकौड़े आ चुके हैं और अब हम ट्राई करने वाले हैं, और इतने कोई मज़े के गर्म है ना ये। उसका चाट मसाला फुल यम है, यम कैसा है? चाट मसाला तुम खा भी, तो आपको चाट मसाला नहीं खाना, आपको तो पकौड़ा खाना था। पकौड़ा कैसा है? पकौड़ा बहुत यम है। अब ये आलू वाले भी मैंने ही खाने। तो हम पकौड़ा पार्टी कर चुके हैं, और अब हम फुल टाइम, आप कहते हैं ना इसको बादलों में घूमना, तो अभी हम बादलों में हैं, और लोअर टोपा ये कौन सा एरिया होता है वहाँ पे है लोअर टोपा, और फुल मज़ा आ रहा है। अच्छा, हमारे बिल्कुल कान बंद हो रहे हैं, और अब मगरिब का टाइम होने वाला है, 6 बजने वाला है, अभी अंधेरा होने वाला है। यहाँ पे बहुत जल्दी लग रहा है अंधेरा ना, जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया, 6 बजने में। सामने का भी व्यू इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि सनसेट हो रहा है, और पूरा वो बादलों में ही छुपा हुआ है, तो इतना ज़्यादा भी नज़र नहीं हो रहा। ये है टोल प्लाजा खैरा गली का, इनको कुछ देना है। कितने बस? यहाँ पे है टोल 50 रुपीज़। तो यहाँ पे हर जगह थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है अभी भी, जो मेल्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्योंकि ठंड है तो इतनी जल्दी नहीं हो रही, लेकिन हर जगह बर्फ। और टेम्परेचर आप देख सकते हैं ड्रॉप होता जा रहा है। ये जो पूरे दरख्त हैं इन सारे, इन पे स्नो अभी तक पड़ी फ्रेश है।
और पीछे से देखे पूरा नीचे उफ पूरा स्नो ही है, स्नो है अभी तक। अरे ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं इतने स्नो से बनाए हुए। सो ये फुल थोड़ा सा स्केरी लग रहा है, लेकिन जो उफ एक सीन बन रहा है जैसे हम मूवीज में नहीं देखते हैं उस टाइप का। ओए इन्होंने क्यूट सा देखो हॉर्स और वो बनाया है छोटा बेबी सा। उफ बिलालियां पिक्चर्स, बिलालियां पिक्चर्स ये ना बहुत स्लिपरी है, लोग नहीं चल पा रहे। भी तो देखे उतरे हैं ना वो, देखिए यार छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं जो एवरीवन यार सब रुके हुए हैं यार। बिलाल ये स्पॉट है बिलाल, सीन तो चेक करें यार। सो यहाँ पे हमने स्टॉप किया और खूब सारा हमने पिक्चर्स ली और स्नो को हमने खूब इंजॉय किया, बिल्कुल फ्रेशली फ्रेश फ्रेश जैसे बर्फ़ गिरी थी ना उसी वक्त हुई होगी स्नोफॉल, तो वो वाली बर्फ़ थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा तो अभी हम आ चुके हैं जो फेमस ताज की पटाखा चिकन है, ये मैं भी एक दो बार बना चुकी हूँ, लेकिन जो यहाँ का टेस्ट है वो तो यहाँ कहीं नहीं होगा। जो चलें फिर अब हम ऑर्डर करते हैं। तो हमने ऑर्डर कर दिया है यहाँ का जो पटाखा चिकन है वो, और बहुत ठंड हो रही है, इतना 1 डिग्री हो रहा है शाम में, जो हम कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा कवर हो। हाँ ज़्यादा ठंडी हो रही है, बिलाल को ठंड लगी है, तो फिर मैंने अपने साथ शॉल भी रखी थी, तो इस तरह से मैं थोड़ा कवर कर रही हूँ। आँखों में हल्के पड़ चुके हैं क्योंकि काफ़ी अभी हम लोग थक भी गए हैं। बाय। सो सूप हमारा आ चुका है यहाँ पे, और इतनी ठंड में तो सूप जो होता है ना वो परफेक्ट काम करता है, तो हम करते हैं अपना सूप स्टार्ट। तो हम सूप पी चुके हैं और जो सीन है हमारा ठंड का वो बहुत ही कुछ सीरियस है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यार आपको कैसा लग रहा है? लाइट चली गई, लाइट जा चुकी है यहाँ पे, शुक्र है कि ये ऑन है अभी हीटर। ठंड मेरे हाथ बिल्कुल ना बर्फ की तरह जम रहे, इतनी ठंड है। फाइनली पटाखा चिकन इज हियर, तो हम पटाखा चिकन पे दवा बोलते हैं और इसको खाते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है और अभी हमने ऑर्डर की है कॉफ़ी, तो जैसे ही हमारी कॉफ़ी आती है वो हम पीते हैं और फिर हम निकलते हैं। बस थोड़ा थक सा गया, मदहोश हूँ मैं। मेरी कॉफी आ चुकी है और बस हम निकल, अभी अंधेरा हो गया है, हम जब तक वापसी जाने पे अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं और काफ़ी अंधेरा हो गया है। रात में ड्राइव करना थोड़ा सा माउंटेन्स पे थोड़ा सा मुश्किल होता है कि लाइट वगैरह कुछ भी नहीं होती। हम गूगल मैप को भी फॉलो करते हैं क्योंकि कट्स आपको पता चल जाते हैं कहाँ आ रहे होते हैं ना कट्स। अच्छा तो जब हम नथिया गली से चले थे तो टेम्परेचर था 1 और 2 और अब टेम्परेचर 5 पे आ गया और हम टूवर्ड्स एबटाबाद जा रहे हैं। अभी हम गुजर रहे हैं एबटाबाद मेन सिटी से, इनका बाईपास अभी हमने मिस कर दिया था, तो ये है और सामने देखिए जितने भी पहाड़ पे घर बने हुए इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सारे स्टार्स जैसे हैं। तो एबटाबाद
भी अच्छा खासा यहाँ पे आबादी है, तो इतना अच्छा लग रहा है रात में देखे। तो बस आज का ब्लॉग हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि हमारा काफ़ी एडवेंचर हो गया, हम काफ़ी आगे तक गए थे। तो बस आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है, मज़ा आ रहा है। इस दफ़ा हमें खूब इंजॉय करी, जितना हो सके मैं घूम फिर रही हूँ, क्योंकि कराची में पता चला है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वापस तो हमने वहीं जाना है, तो अभी जितना इंजॉय कर सकते हैं कर लें। तो खैर आज का ब्लॉग ये था, कल एक और नई एक्साइटिंग चीज़ है, वो क्या है, मैं कहाँ जा रही हूँ, वो कल के ब्लॉग में आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं हम बाद में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अब डेली ब्लॉगिंग भी थोड़ा सा कर रही हूँ जितना मुझसे हो सकता है। तो फिर आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।